निरांजन। विष्णु पुराण में दूसरे दीप का वर्णन निरंजन। जिस निरंजन दीप में महाराज आपने देखा होगा डमरू जैसी आकृति होती है, अगर चैनल पर कथा देख रहे होगे तो इनके पास अगर होगा तो अवश्य दिखाएंगे। निरंजन इस निरंजन दीप में डमरू की आकृति होती है, रखने का भाग और ऊपर का भाग इस तरह से, और ऊपर उसमें दिए लगाने के लिए बाती का स्थान रहता है। किसी किसी में 5 कंगूरे होते हैं, किसी किसी में 6 कंगूरे होते हैं, इसको निरंजन दीप कहते हैं। महाराज विष्णु पुराण के 5वें अंश में लिखा गया निरंजन दीप भगवान के सम्मुख में राइट भाग में लगाया जाता है। भगवान का जो स्थान होता है, भगवान का जो मंदिर होता है, तो भगवान का राइट, आपका होगा लेफ्ट, क्योंकि आप भगवान के सामने बैठोगे तो भगवान का राइट, आपका लेफ्ट, तो आप जब लगाएंगे तो आप लेफ्ट में लगाएंगे, आपका लेफ्ट होगा और भगवान का वो भाग राइट है, तो भगवान के सीधे हाथ की ओर लगता है। माना निरंजन, निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगता, माना निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगता। हाँ यह हो सकता है कि बटी निरंजन जो दीप होता है उसमें तेल डाल सकता है, बटी निरंजन दीप जो होता है उसमें कंगूरे नहीं होते, बटी निरंजन दीप केवल गोल होगा, ऊपर से डमरू जैसी आकृति होगी, डमरू जैसा होगा ऊपर से, उसमें कहीं कंगूरे नहीं होते। महाराज अगर आप चैनल पर देख रहे होंगे तो बटी निरंजन दीप का भी वर्णन आपको दिखाया जा रहा होगा। बटी निरंजन जो दीप होता है वो केवल डमरू की आकृति में होता है, उसमें कोई कंगूरे नहीं होते, पर निरंजन जो दीप होता है उसमें कंगूरे होते हैं। तो जो निरंजन दीप होता है उसमें कभी तेल नहीं डाला जाता, निरंजन दीप को हमेशा घृत से ही लगाया जाता है, पर बटी निरंजन जो दीप होता है उसमें आप तेल डाल सकते हैं, बटी निरंजन दीप जो लगाएंगे वो तेल का लगा सकते हैं, पर निरंजन में कभी तेल नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डालते? विष्णु पुराण कहती है निरंजन दीप के अंदर अगर तेल की पाती लगाकर लगाया जाता है तो 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपये खर्च होगा, घर में 10 लोग भी कमा कर लाएंगे तो पैसा नहीं दिखेगा, घर में रुपया टिकता नहीं है। अर्थात निरंजन दीप में आप तेल की पाती लगा रहे हो, ये सिद्ध हो चुका है। अब अगर आप ये बात किसी जगह पर पूछोगे, किसी आचार्य से पूछोगे, हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, तो कहेगा हमारी गृह दशा खराब हो रही है, तो उसने अंगूठी पहना दी, अंगूठी पहनाने के बाद भी घाटा खा गए, फिर पूछोगे महाराज हमने तो अंगूठी पहनी, नीलम पहना, पुगराज पहना, ये पहना, वो पहना, आराम नहीं लगा, तो कहा तुम्हारे यहाँ वास्तु का दोष है, वास्तु भी सही करवा लिया, उसके बाद भी सुख नहीं मिल रहा। अर्थात आपके दिए में जो आप पाती लगा रहे हो उसमें कुछ कमी है, उसको पहचानो। चतुर जो डॉक्टर होता है वो जरा सी देर में पकड़ लेता है कि इसको प्रॉब्लम हो क्या है, और नहीं तो कहीं जांच करा, ये जांच वो जांच, हमारे पड़े कुछ निकले नहीं, फिर भी शरीर में कष्ट, कष्ट का कारण क्या, वो पकड़ना चाहते। मतलब आप 1 रुपया कमा रहे हो, 1.25 रुपया अगर खर्च हो रहा है तो निरंजन जो दीप है उसमें तेल की बाती लग रही है, ये पक्का है, ये पक्का है। मतलब घर में पैसा टिक नहीं, पैसा आ तो बहुत रहा है, बहू भी कमा रही, बेटा भी कमा रहा, दुकान से भी आ रहा है, किराए से मकान भी चल रहा है, वहां से भी बहुत कुछ आ रहा है, पर आखिर पैसा दिखता क्यों नहीं है? आया 1 लाख रुपए रात को आए, 2-3 दिन में चले गए, बची नहीं थी कुछ भी, पत्नी के पास बेचारी बहुत माई के सल्ला के जोड़ के, वो तो बताती नहीं, अच्छा थोड़ा सवाल कर, पर कमाई का धन नहीं दिख रहा। मतलब निरंजन जो दीप है, निरंजन दीप जिसमें ऊपर कंगूरे बने रहे, 5, 6, 7 डमरू की आकृति का रहता, पर उसमें कंगूरे बने रहते, निरंजन उसमें जरूर आप तेल डालकर जला रहे हो, इसलिए धन दिख नहीं रहा, संपदा का दिख नहीं, वैभव दिख नहीं, उसमें केवल घी की ही बात है। और महाराज बटी निरंजन जो दीप होता है उसके अंदर आप तेल डालकर जला सकते हो। बटी निरंजन जो दीप होता है या किसी भी स्थान पर लगाओगे, सबसे पहले पितृ इससे भाग ग्रहण करते हैं, देवता को देते हैं, देवता उससे भाग ग्रहण कर कुबेर को प्रदान करते हैं, कुबेर उससे भाग लेकर शिव को प्रदान करता है, भगवान शंकर बटु भैरव को कहकर घर का उद्धार करते, इसीलिए इसको कहते बटि निरंजन, इसमें कंगूरे नहीं होते। निरंजन भी होता है, दिए में स्टैंड होता है, पकड़ने की जगह होती है, आगे उसमें चोंच रखी जाती है, उसको कुबेर
कुबेर निरंजन की तरफ। कुबेर निरंजन दीप महाराज जब भी जलाया जाता है, इस तरह का दिया अगर किसी के घर में हो कुबेर निरंजन, जिसमें स्टैंड होता है, ऊपर होता है, थोड़ा लंबा होता है, आगे लंबाई निकली होती है। कुबेर निरंजन टीवी पर आप दर्शन कर रहे होंगे तो कुबेर निरंजन जो दीप होता है उसमें आगे भाग लंबा रहता है और पकड़ने का स्थान होता है। तो कुबेर निरंजन दीप घी का लगाओ चाहे तेल का लगाओ, उसमें लौंग या काली मिर्च, काली तिल या चावल, पूजन वाली जगह में जो चावल रखे उसका दो दाना चावल का या फूल की पत्ती, कुछ भी उस कुबेर निरंजन दीप में डालना जरूरी होता है, जिससे हमारे घर में भंडार सदा भरा रहे। अगर कुबेर निरंजन दीप खाली जलता है, आपने कई जगह मंदिरों में देखा होगा कुबेर निरंजन दीप डालते हैं तो उसमें थोड़ा दो दाने चावल के डाल देते, कुछ नहीं डालता तो एक सिक्का पटक देते, एक का तलदार पटक देते, कोई चवन्नी पटक देगा, कोई पांच पैसे पटकेगा। कुबेर निरंजन दीप खाली समृद्धि देगा, महाराज आनंद की अनुभूति कराएगा, सुख होगा। हर हर महादेव। साथियों, अगर कुबेर निरंजन दीपक को खाली जलाया जाता है, अगर हम इसमें कुछ भी नहीं डालें और अगर इसे प्रज्वलित कर दिया जाता है, तो विष्णु पुराण में वर्णित है कि वहाँ पर धन संपदा टिकती नहीं है, घर खाली होता जाता है। इसलिए कुबेर निरंजन दीपक में कुछ भी डालो, पर एक चीज़ डाल करके जरूर उसे प्रज्वलित करना चाहिए। चावल डाल दो, रुपये डाल दो, फूलों की पंखुड़ी डाल दो जैसा गुरुदेव ने बताया, कमलगट्टा डाल दो, कुछ भी डालो, पर इसे कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए। चाहे इसे घी डालो इसमें, चाहे तेल, पर इसमें यह एक चीज़ कोई भी डालना जरूरी होता है, इसका यह नियम है। कुबेर निरंजन दीपक अगर आप घर में प्रज्वलित करते हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, जिससे घर के अंदर कुबेर बाबा, कुबेर भंडारी धन के भंडार भर देते हैं। वह घर कभी खाली नहीं होता है, वहाँ से कभी लक्ष्मी नहीं जाती है, का जहाँ पर कुबेर निरंजन दीपक में कुछ न कुछ डाल करके प्रज्वलित किया गया है। हाँ, अब प्रश्न आता है कि कुबेर निरंजन दीपक का लो बाती किस तरफ रखें। कुबेर निरंजन दीपक की बाती या तो हमें पूरब दिशा में रखनी है, और धन संपदा अगर चाहिए, धन संपदा वैभव के लिए हम जला रहे हैं, तो उत्तर दिशा की तरफ बाती का मुख करके इसे प्रज्वलित कर देना चाहिए। और अगर हम रोजाना भगवान के मंदिर में जला रहे हैं, हम नित्य प्रतिदिन इसे हम प्रज्वलित कर रहे हैं, तो पूरब दिशा की तरफ भी बाती का लो रख करके प्रज्वलित कर सकते हैं। तो नियम आपको बता दिए गए हैं। आप किस दीपक के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो, अगर आपके कोई प्रश्न हैं कमेंट करें, हम उनके उत्तर देने की जरूर कोशिश करेंगे। एक बार फिर से साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।